हम सभी इंजीनियर भाई इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इन्वर्टर एसी हम देखने जाते हैं, रिपेयर करने जाते हैं। जब हमारा कंप्रेसर चलता है तो ये जो हमारी पीसीबी है इसको ऑपरेट कर, पीसीबी जो है हमारे कंप्रेसर को चलाती है। जब कंप्रेसर चलता है तो यहाँ पे हम बोल्ट नापने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल एसी में हम बोल्ट नापते हैं। तो क्या हम इस बोल्ट को हम नाप सकते हैं, और अगर नाप सकते हैं तो कैसे नाप सकते हैं, अगर नहीं नाप सकते हैं तो क्यों नहीं नाप सकते हैं, इसी सब चीज़ों के बारे में आज ये वीडियो है। आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कंप्रेसर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। बने रहिए दोस्तों वीडियो में, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पूरा सेटअप लग चुका है। यहाँ पे मोटर लग चुकी है, ये इंडोर की मोटर है, ये इंडोर की पीसीबी है, ये आउटडोर का कार्ड है, और ये हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर की जो वायर हैं वो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगाई हुई है। आपके साथ इस तरीके से नहीं होगा, आपको जैक मिलता है कंप्रेसर में ये, लेकिन हमने ये बोल्ट नापने के लिए यहाँ पर हमने ये इस टाइप से थिम्बल लगाए हैं। अब हम इसको चालू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम बोल्ट नाप सकते हैं या नहीं नाप सकते, कितने वोल्ट हमारे इस कंप्रेसर पे आते हैं। तो यहाँ पे हम मेन प्लग लगाते हैं, ये हमने मेन प्लग लगा दिया, डिस्प्ले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आउटडोर के कार्ड में यहाँ पे लाइट जलती है, यहाँ पे हमारी लाइट जो है ऑन हो चुकी है, हमने इसको जो है बटन से इसको ऑन कर दिया है। इंडोर की मोटर चल चुकी है और हमारा कुछ ही टाइम पर ये हमारा जो है कंप्रेसर चलेगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्रेसर जो है चल चुका है, ये आप देखें कंप्रेसर चल चुका है। अब हम इसके बोल्ट नापेंगे UVW पे, हम यहाँ पे कंप्रेसर के बोल्ट नापने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो मैंने मीटर है वो मैंने DC पे लगाया हुआ है, और आप यहाँ पे देखेंगे 60-65 करके कुछ बोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे हम AC पे करेंगे, ये AC है तो इसको हम AC पे करते हैं, तो यहाँ पे 50, 52, 53 इस टाइप से ये बोल्ट हमारे आ रहे हैं। अभी हमने UVW पे इस तरीके से लगाया तीनों पे, अब दूसरे पे लगा के हम देखते हैं, दूसरे टर्मिनल लगाते हैं तब भी हमारे सेम वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों। ये और DC पे नापते हैं हम, तो DC पे ये इस तरीके से बताता है दोस्तों, 100, 120 तक, 130, 150 तक ये वोल्ट हमारे जा रहे हैं। AC पे जो है हमारे ये इतने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए हम कंप्रेसर नहीं लगाते हैं, खाली हम ओनली सिर्फ PCB के बोल्ट नापना चाहते हैं कि PCB जब ऑन होती है तो कंप्रेसर को करंट देती है या नहीं देती है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। PCB को हम बंद करते हैं, PCB को हमने बंद कर दिया है। अब हम यहाँ से जो है इसकी वायर हम यहाँ से हटाते हैं, ये कंप्रेसर की जो है वायर हमने हटा दी है। अब यहाँ पे हम ये जो मीटर है DC वोल्ट पे हम इसको रखते हैं, और यहाँ पे PCB को चालू करते हैं, और यहाँ पे हम बोल्ट नापने की कोशिश करते हैं। हमने ये मीटर को लगा दिया है और हम PCB को करते हैं ऑन। ये हमारा आउटडोर का कार्ड ऑन हो गया, हम बटन से जो है PCB को ऑन करते हैं। कुछ ही टाइम पे जो है ये हमारा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मिली वोल्ट आ रहे हैं, यह हमारे कोई काम के नहीं है। ये जब हमारा कंप्रेसर जो है ये हमें यहाँ से सिग्नल देगा कंप्रेसर के लिए, जब यहाँ से बोल्ट देगा तब यहाँ पे बोल्ट शो करेगा। यहाँ पे हमारे फैन का जो रिले है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये देखें आप, ये इस तरीके से जो है हल्का सा इसने जो है बोल्ट आए और आके जो है तुरंत जो है वो भाग गए, और यहाँ पर जो है कंप्रेसर नहीं है, ये उस चीज़ का एरर यहाँ पर देने लगी है। तो अब हमारा मेन चीज़ क्या है दोस्तों, मैं अपने आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो आप बोल्ट नाप सकते हैं वो जब आपका कंप्रेसर चल रहा होगा रनिंग में उस तभी आप बोल्ट नाप सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट PCB में इस तरीके से बोल्ट नापने की कोशिश करेंगे तो बोल्ट हमारे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक PCB को ये पता नहीं चलेगा, लोड नहीं आएगा कंप्रेसर का, तब तक जो है वो बोल्ट हमारे PCB से कंप्रेसर के लिए नहीं जाएंगे दोस्तों। आप जैसे कि नॉर्मल हमारा AC में रहता है कि आउटपुट आ गई और 220 वोल्टेज चल गई, इसमें ऐसा नहीं होता है। UVW पे तीनों फेस होते हैं हमारे, 3 फेज, यहाँ पे तीनों के तीनों फेज जो है कंप्रेसर को जाते हैं। अगर कोई सा भी एक वायर कट गया है या फिर हमारा PCB में दिक्कत हो गई है या फिर जो है कंप्रेसर का जो है कोई भी एक टर्मिनल वगैरह हट गया है, तब भी ये हमारा कंप्रेसर नहीं चल पाता है, वो शटडाउन हो जाएगा, PCB शटडाउन कर देगी। जैसे ही यहाँ से करंट जाएगा, उसे अगर उतना लोड नहीं मिला है कंप्रेसर का, तो PCB क्या रहेगी, शटडाउन हो जाती है। शटडाउन होने से क्या होता है, वहाँ पे एरर आ जाता है, बोल्ट जो है PCB के हम नहीं नाप सकते हैं। और ये भी जो है आप कंप्रेसर जब चल रहा होगा तभी इस पर बोल्ट नाप सकते हैं, अदरवाइज उस पर बोल्ट नहीं नाप सकते। दी गई वीडियो में अगर थोड़ी सी भी आपकी जानकारी आपके काम की, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें।